हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू द सेशन, जिसमें आज हम लोग 23 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस। सो द फर्स्ट पेज, जो कि फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर, जो कि पूरा का पूरा डेडिकेटेड है बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि COVID-19 के केसेस बहुत ज्यादा राइज हो रहे हैं इंडिया में एंड बहुत लोगों की डेथ हो रही है। उसका डेथ का सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही, लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है एंड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर पा रही कि हम ऑक्सीजन सप्लाई कैसे करें, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी है ही नहीं कि सप्लाई हो पाए पब्लिक पर। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कल खुद से कॉग्निजेंस लिया और एक ऑर्डर दिया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उन्होंने बोला कि आप एक नेशनल प्लान बनाओ कि आप कैसे ऑक्सीजन सप्लाई करोगे, आप कैसे ड्रग सप्लाई करोगे, आप कैसे वैक्सीन सप्लाई करोगे। क्योंकि बेसिकली अगर आपने खुद बोला था कि COVID-19 एक्ट ऑफ गॉड है, जब एक्ट ऑफ गॉड है ये डिजास्टर में आता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक नेशनल प्लान बनाओ और नेशनल प्लान के थ्रू हम लोग रेगुलेट करेंगे और लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई होगी, ड्रग सप्लाई होंगे और वैक्सीन सप्लाई होगी। ओके, सो कल अराउंड 3.32 लाख केसेस निकले एंड 2247 लोगों की डेथ होगी। हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हाँ ये डेटा जब इंक्रीज होगा ना और जब हाईएस्ट पीक टच करेगा केसेस का और डेथ का, तब वो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तब ये बताना जरूरी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाईएस्ट केसेस इंडिया में एक डे में कितने निकले थे, ये क्वेश्चन बन सकता है, बट अभी नहीं। जब अपन मई या जून में जमाएंगे, जब क्लैड अप्रोच करेगा, तो हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। नाउ अगेन, सो व्हाट हैपेंड, तो सेंटर ने बेसिकली बोल दिया है कि ऑक्सीजन मूवमेंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को रेगुलेट किया, उन्होंने उसको 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 ओपन किया और बोला। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट का इशू क्या था, दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड ये इशू है। हुआ क्या, दिल्ली गवर्नमेंट का इशू था कि ऑक्सीजन सप्लाई हमारी यूनियन टेरिटरी में आ नहीं पा रही, दिल्ली में आ नहीं पा रही, क्योंकि हरियाणा और यूपी दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को रोक रही है, एंटर नहीं करने दे रही दिल्ली में। यूपी गवर्नमेंट रोक देती है वहां, यहां से फ्रॉम द सदर्न एंड एंड फ्रॉम द ईस्ट साइड और फ्रॉम द नॉर्थ साइड हरियाणा रोक देती है सप्लाई ऑक्सीजन का। तो इसी के चलते डिजास्टर सेंटर ने एक स्टेप लिया और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को इन्वोक किया और उन्होंने बोला कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सारे स्टेट के पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑक्सीजन मूवमेंट नहीं रुकना चाहिए, उन पर रोकटोक नहीं होनी चाहिए। अगर उन पर रोकटोक होगी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एसएसपी मतलब पुलिस की जो ऑफिसर्स हैं वो लाइबल होंगे इस चीज को लेकर। ओके, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली देखा जाए तो लास्ट ईयर भी इन्वोक हुआ था, जब COVID-19 केसेस बहुत राइज हो रहे थे, और उससे पहले जब इन्वोक हुआ था, वो इन्वोक हुआ था सुनामी की वजह से, जब इंडिया में सुनामी आई थी। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोल तो दिया है कि 1 मई से अबव द एज ऑफ 18 अलाउड है अपने आपको वैक्सीनेट कराने को लेकर, लेकिन एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए ना कि कैसे वैक्सीनेशन होगी, कोई एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसी के चलते क्लैरिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सॉरी प्रेस ब्यूरो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने, और प्रेस इंफॉर्मेशन ने बताया कि 28 अप्रैल से बेसिकली कोविन पर एप्लीकेशन आएगा और जो भी पर्सन को वैक्सीनेशन कराना है, वैक्सीनेट कराना है, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और जो रजिस्टर्ड करेगा उसको ही वैक्सीनेशन लगेगी, जो रजिस्टर्ड नहीं करेगा उसको वैक्सीनेशन नहीं लगने वाली। अगेन, तो जो सेंटर ने बोला था ना कि फर्स्ट पेज में जो फर्स्ट न्यूज थी बेसिकली दिस वन कि सेंटर क्रैक डाउन टू कर्ब द ऑक्सीजन मूवमेंट, तो उसी को पहले हाईकोर्ट ने बोला था। हाईकोर्ट ने ही डायरेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ऐसा स्टेप लो कि दिल्ली में जो हरियाणा रोक रही है और उत्तर प्रदेश रोक रही है ऑक्सीजन की सप्लाई टू दिल्ली, वो रोके ना। तो इसी के चलते फिर सेंटर ने स्टेप लिया और सेंटर ने फिर डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 को इन्वोक किया और सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सारे पुलिस ऑफिशियल्स को डायरेक्शन दिया कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। ओके, नाउ अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, जो कि हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड देखा जाए तो ये पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा लगती है, बट इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने सारे रोड शो पर बैन लगा दिया और बोला कि COVID-19 के केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और COVID-19 के नॉर्म्स को फुल फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे ममता बनर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और
जितने भी रोड शो अभी बचे हुए हैं उन सारे रोड शो पर रोक लगा दी गई है, कर्व लगा दिया गया है कि अब रोड शो नहीं होंगे क्योंकि कोविड-19 केसेस इंक्रीज हो रहा है और रोड शो में पब्लिक गैदरिंग होती है। तो जरूर इलेक्शन कमीशन ने बहुत देर से ये स्टेप लिया, बट देर से ही सही लेकिन सही स्टेप लिया। ओके मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी न्यूज, हमें सिटी न्यूज स्किप करना है और एडवर्टीजमेंट का पेज था, एडवर्टीजमेंट में स्किप करना पड़ा। सो यस, सो ऑन द सदर्न न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रॉम द केरला एंड तेलंगाना एंड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। तो केरला ने पहले बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को तो डांटा है ना, बट डांट तो नहीं सकती, बट स्लैम किया है कि सेंटर वैक्सीनेशन की शॉर्टेज क्यों हो रही है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज क्यों हो रही है, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज हो रही है और आप एक पॉलिसी खुद लेके आ गए कि आप फर्स्ट में से अबव द एज ऑफ 18 सबको वैक्सीनेशन सप्लाई होगी। या तो पहले आप वैक्सीनेशन शॉर्टेज को आप पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद ये नई पॉलिसी लेके आते। लेकिन ऑलरेडी जब वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है उसके बाद भी आप ये पॉलिसी लेके आ रहे हो कि अबव द एज ऑफ 18 तो लोगों को वैक्सीनेशन करा सकते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों के बीच में डर पैदा होगा, लोग हॉस्पिटल जाएंगे और वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। अगेन फ्रॉम द तेलंगाना, तो तेलंगाना ने बोला है कि तेलंगाना के एक बेसिकली मिनिस्टर है केटी रामाराव, तो केटी रामाराव ने बेसिकली बोला है कि ड्यूल प्राइसिंग क्यों चल रही है। वही हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट को वैक्सीन मिल रही है 150 रुपीज में, वही स्टेट गवर्नमेंट वैक्सीन लेने जाती है तो उनको मिल रही है अराउंड 400 रुपीज में, तो ये ड्यूल प्राइसिंग क्यों है वैक्सीनेशन को लेकर। ओके सबसे पहले उन्होंने स्लैम किया है बेसिकली कि ड्यूल प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को वही सस्ते में मिल रही है वैक्सीन और वही स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई हो रही है 400 रुपीज में, तो ड्यूल प्राइसिंग नहीं होना चाहिए। देन फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर ने बोला है कि हमारे स्टेट में कोई भी वैक्सीनेशन को शॉर्टेज, कोई भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है। उन्होंने बोला भरपूर ऑक्सीजन है हमारे पास और हमारे पास स्टेट में कोई भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है। सो अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द ओडिशा चीफ मिनिस्टर, कुछ ही स्टेट के चीफ मिनिस्टर अच्छे हैं, नवीन पटनायक हो गए ओडिशा के, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हो गए, तो दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड दे आर डूइंग द गुड वर्क। तभी बहुत सालों से ये लोग चीफ मिनिस्टर है उस स्टेट के, पब्लिक का ट्रस्ट अभी भी उनके उनके पास है, पब्लिक उन पर ट्रस्ट करती है। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने एक बहुत बढ़िया स्टेप लिया और उन्होंने सारे उड़ीसा में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डायरेक्शन दिया कि 50% ऑफ योर बेड्स इन योर हॉस्पिटल, 50% बेड्स आपके हॉस्पिटल में जो होंगे वो रिजर्व रहेंगे कोविड-19 के पेशेंट्स को लेकर। ओके सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप, गवर्नमेंट में तो है ही है और अब उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी डायरेक्शन दिया है कि आपके 50% ऑफ द बेड्स रिजर्व रहेंगे कोविड-19 को पेशेंट्स के। मूविंग फर्दर, सो आज 23 अप्रैल है, तो आज लास्ट डे है शरद अरविंद बोबडे का और कल एन वी रमन्ना हमारे नए सीजीआई बन जाएंगे, 42nd सीजीआई बन जाएंगे। तो उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की ही बात की गई है। तो सबसे पहले जो एडिटोरियल है, दो एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट वन इज अबाउट द सीजीआई, प्रशांत भूषण एडिटोरियल लिखा है, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि शरद अरविंद बोबडे ने उनका जो टेन्योर रहा वो कैसा टेन्योर रहा उसको डिस्कस किया गया। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल इट्स अबाउट द एडहॉक जजेस, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली हाईकोर्ट को परमिशन दे दी थी कि वो एडहॉक जजेस अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि पेंडेंसी ऑफ द केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, तो अपन उसी को डिस्कस करने वाला है। ओके सो दीज टू एडिटोरियल्स, नाउ वी मूव टू अवर फर्स्ट एडिटोरियल एंड इट्स अबाउट द चेकर्ड लेगेसी ऑफ द सीजीआई। सो सबसे पहले प्रशांत भूषण एडिटोरियल लिखा है, तो ऑब्वियसली बात है इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, नेगेटिवली क्रिटिसाइज किया है शरद अरविंद बोबडे को और जो लास्ट के कुछ सीजीआई रहे उनके। सबसे पहले बताया कि जब हम बात करते हैं ना लास्ट 5 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट के, लास्ट फाइव ईयर्स जो सीजीआई रहे, सीजीआई अपनी पोस्ट को मेंटेन नहीं कर पाए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर पाए, इंडिपेंडेंट नहीं रह पाए, हमेशा वो एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट बन गए गवर्नमेंट के हैंड में, गवर्नमेंट जैसा चाहती वैसा वो करते थे। अब सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले उन्होंने बात करी जो शरद अरविंद बोबडे के पहले सीजीआई थे रंजन गोगोई जैसे रिटायर होने वाले थे, उन्होंने दो इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए, अयोध्या का जजमेंट दिया और रफेल वर्डिक दिया, और दोनों में उन्होंने देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही मानी। अयोध्या वाले वर्डिक में उन्होंने राम मंदिर राम टेंपल बनाया जो बीजेपी का बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, और रफेल वर्डिक बेसिकली रफेल वर्डिक में भी एक तरीके से जो अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी फेवर में जजमेंट दिया, और जैसे ही वो रिटायर हुए राज्यसभा में वो एमपी बन गए। फिर जब रंजन गोगोई ने ऐसे काम किए तो हमारा सारे जुडिशियल माइंड और पूरे पब्लिक का, पूरे सिटीजन ऑफ इंडिया का एक होप था
कि जो हमारे नेक्स्ट सक्सेसर होंगे, नेक्स्ट सीजीआई होंगे शरद अरविंद बोबडे, ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो एक तरीके से जो डिपेंडेंसी है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पा रही, वो लिफ्ट आउट करेंगे, वो खत्म करेंगे। शरद अरविंद बोबडे सीजीआई बने और उनका टेन्योर अराउंड 18 मंथ्स का रहा। ओके, देन उन्होंने बताया कि अब शरद अरविंद बोबडे ने काम क्या क्या किए। उन्होंने बताया कि शरद अरविंद बोबडे भी एक तरीके से जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन पे खड़े हो ही नहीं पाए, और साथ साथ जो पोस्ट है और जो इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे थे कि जज के कोर्ट को इंडिपेंडेंट होना है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, वो इंडिपेंडेंट भी नहीं हो पाया, वो ये काम भी नहीं कर पाए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जैसे ही उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ, उनका टेन्योर बेसिकली स्टार्ट हुआ था नवंबर 2019 से, तो सबसे पहले हजारों मतलब हंड्रेड्स ऑफ पिटीशन फाइल हुई थी अगेंस्ट दी जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था, और अभी तक उसकी ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, उस पिटीशन पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई, उस पर नहीं बताया गया कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड था या इनवैलिड था। सबसे पहला उन्होंने ये गलती करी कि अभी तक वो पिटीशन पेंडिंग था और पिटीशन पे कोई भी जजमेंट पास नहीं किया, क्योंकि आर्टिकल 370 इनवोक हुआ था और जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो बहुत लोगों ने पिटीशन फाइल करी थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने और सीजीआई ने कोई भी स्टेप नहीं लिया। देन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन द पार्लियामेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया, बिल पास करा, और वो असेंट मिल गई प्रेसिडेंट की और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट ने असेंट दिया और वो एक्ट बन गया, तो बहुत सारा वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी पिटीशन फाइल हुई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, लेकिन उस पर भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब आगे सीए से रिलेटेड, जब सीए के अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट किया, तो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने और बहुत सारी गूंस आके स्टूडेंट्स को पीटने चले गए, एक्टिविस्ट को पीछे चले गए। सेम गोज विद दी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू में भी यही चीज हुई, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने तो स्टेप लिया ही नहीं, साथ साथ जुडिशरी ने भी कोई भी उनको जस्टिस डिलीवर नहीं किया। देन जो थर्ड मेजर इशू आता है वो आता है रोहिंग्याज रेफ्यूजीज जो इंडिया में आए उनको भी लेकर उन्होंने कोई जजमेंट नहीं दिया। अब वो अभी इन सारे जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली और सीजीआई ने क्या बोला रोहिंग्याज को लेकर, सीएओ को लेकर, और ये बेसिकली आर्टिकल 370 को लेकर। देन उसके बाद कोविड 19 के केसेस बहुत ज्यादा आउटब्रेक हो गए थे इन दी अर्ली 2020, उसको कर्व करने में और उसका माइग्रेंट लेबर्स के बहुत सारे राइट्स इन्फ्रेंज हुए, उसको भी लेकर उन्होंने कोई भी बात नहीं करी। देन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को लेकर बहुत सारी बातें हुई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को भी लेकर बहुत सारी पिटीशन फाइल हुई कि उसको उस पर स्टे लग जाना चाहिए, लेकिन स्टे नहीं लगाया गया और उसको उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसी को लेकर फर्दर डिस्कस किया गया। ऑथर ने सबसे पहले बताया कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज का जो इशू था उसको लेकर जब पिटीशन फाइल हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोल दिया था कि जो जेनोसाइड म्यांमार में हो रही है वो हमारे कोर्ट का कंसर्न नहीं है, वो हम थोड़ी ना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी ना कर रही है, वो म्यांमार कर रही है, तो ये हमारा इशू नहीं है। बट ये कोर्ट का स्टेप गलत था, ये कोर्ट का स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि ये ह्यूमन राइट वायोलेशन था जो म्यांमार में हो रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, वो ह्यूमन राइट वायोलेशन था, तो इसी को लेकर गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए था। गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं लिया तो जुडिशरी को स्टेप लेना चाहिए था, और जुडिशरी भी फेल होगी स्टेप को लेते हुए। जुडिशरी ने एक बहुत ही वेग स्टेटमेंट दिया कि म्यांमार में जो जेनोसाइड हो रहा है उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें और हमारे कोर्ट का कोई भी कंसर्न नहीं है। देन सुप्रीम कोर्ट ने, देन प्रशांत भूषण ने बताया कि जब केसेस इंक्रीज हुए कोविड 19 के इन द ईयर 2020 में, तो अराउंड पब्लिक फिजिकल हियरिंग के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बंद रहा, शट डाउन रहा, और सिर्फ जितने भी उस पीरियड में केसेस फाइल हुए सिर्फ 25% ऑफ द केसेस की सुनवाई हुई, उनकी हियरिंग हुई, और बाकी रिमेनिंग 75% ऑफ द केसेस की हियरिंग हुई नहीं पाई। देन आगे ऑथर आते हैं माइग्रेंट लेबर्स को लेकर। उन्होंने बताया कि जब कोविड 19 के केसेस 2020 में जब राइज हुए थे तो बहुत लोगों ने पिटीशन फाइल करी थी, और सबसे बड़ा जो मेजर इशू रेज हुआ था वो माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर रेज हुआ था, माइग्रेंट लेबर्स को रेज हुआ था, क्योंकि उनकी राइट टू लाइफ मतलब आर्टिकल 21 वायोलेशन हो रहा था, आर्टिकल 19 वायोलेशन हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई भी स्टेप नहीं लिया, और उन्होंने ऐसे केसेस लिए जो कि इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे उस समय, अगर वो बाद में भी केसेस डील करते तो चल जाता, लेकिन उन्होंने ऐसे सारे केसेस लिए जो कि इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे, और माइग्रेंट वर्कर्स माइग्रेंट लेबर्स का जो इशू था जहां पर उनका आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे थे
वो इश्यू को उन्होंने डिस्कस नहीं किया, जहां उनको फूड, उनको वेजेस और उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था। वही उन्होंने ऐसे केसेस लिए, जैसे कि उन्होंने मेरा केस लिया, प्रशांत भूषण ने बताया, जैसे उन्होंने मेरा केस लिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के केस लिए, जो कि इतने इंपॉर्टेंस उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था जितना इंपॉर्टेंस माइग्रेंट वर्कर्स का इश्यू था। देन आगे बेसिकली उन्होंने बेसिकली फार्मर प्रोटेस्ट को डिस्कस किया, फार्मर प्रोटेस्ट का ये बताया कि फार्मर प्रोटेस्ट को भी लेकर उन्होंने कोई भी इशू डिस्कस नहीं किया। उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर फिर बहुत बाद में इन द ईयर जनवरी, मतलब 100 डेज कंप्लीट हो गए थे प्रोटेस्ट को, तब उनकी आंखें खुली सुप्रीम कोर्ट की, और उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई उस चीज को डिस्कस करने के लिए। लेकिन उस एक्सपर्ट कमेटी में स्पेकुलेशन थे कि जितने भी एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स हैं वो बायस्ड है, वो न्यूट्रल नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। अगर लोगों का स्पेकुलेशन था, लोगों को प्रॉब्लम थी उस एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स से, तो चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। देन आगे बताते हैं, और प्रशांत भूषण ने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, कि सीजीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी सही नहीं रहा। सबसे पहले उन्होंने बताया कि बहुत सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, साथ साथ हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा वैकेंसीज इंक्रीज हुई, और सीजीआई का काम होता है मास और रोस्टर वाला, और कोलेजियम वही बनाता है, और कोलेजियम में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हुए ही नहीं। ओके, बहुत सारी वैकेंसीज अभी भी क्रिएट है। देन आगे उन्होंने बताया कि एक वो ऐसे केस में चेयरमैन रहे जो उनके प्रेसिडर, मतलब रंजन गोगोई के ऊपर जो एलिगेशन लगा था सेक्सुअल असॉल्ट का, उस कमेटी के वो चेयरमैन रहे, और उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी रंजन गोगोई को। तो ये भी स्टेप उनका सही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल उनका सही नहीं था। क्लीन चिट दी, लेकिन उसका कोई रीजन पब्लिक करना चाहिए था कि भाई क्या रीजन है क्लीन चिट उनको मिली, वो रीजन भी पब्लिक नहीं किया। देन आगे उन्होंने बताया, ऑथर ने बताया, प्रशांत भूषण ने बताया कि हाँ, शरद अरविंद बोबडे ने गलत काम तो किए, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम जरूर किया, वो है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में क्या होता था कि कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आता था और उसमें ट्रीज को कट डाउन कर दिया जाता था, तो इसी को लेकर शरद अरविंद बोबडे ने बेसिकली एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म करी थी, और एक्सपर्ट कमेटी को बताया था कि ट्रीज को कट डाउन करना जरूरी है, और ट्रीज को अगर कट डाउन किया जा रहा है तो उसके क्या क्या नेगेटिव प्रिकॉशंस दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट, ये अच्छा काम किया है बस सीजीआई जब तक रहे है। फिर आगे उन्होंने यही बोला कि जरूर अब शरद अरविंद बोबडे का हमें फेयरवेल देना चाहिए, वो हमारे सीजीआई रहे, बट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे अपकमिंग सीजीआई है रंजन एनवी रमन्ना इस चीजों से पर्दा हटाएंगे और जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट बनाएंगे फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नाउ वी मूव टू अवर सेकंड एडिटोरियल, सो इट्स बेसिकली अबाउट द जजेस प्रो टाइम। तो जजेस प्रो टाइम को लेकर उन्होंने एडिटोरियल लिखा और बताया कि कल बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और एक डॉर्मेंट प्रोविजन को इन्वोक किया, जो कि डॉर्मेंट प्रोविजन है आर्टिकल 224 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, और डॉर्मेंट प्रोविजन को इन्वोक किया और क्लियर कर दिया, वे क्लियर कर दिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन द हाई कोर्ट, जहां पर बहुत सारा जुडिशियल वैकेंसीज है और वहां पर बहुत ज्यादा केसेस का बर्डन है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। देन कोर्ट ने देन अब ऑथर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एडहॉक जजेस को लेकर कोई प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोविजन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 224 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बताता है कि एडहॉक जजेस को अपॉइंटमेंट होना चाहिए हाई कोर्ट में अगर वहां पर बहुत ज्यादा वहां पर जजेस की वैकेंसीज है या फिर बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब उन्होंने डेटा में बताया कि अराउंड, हम पूरे हाई कोर्ट्स की बात करें तो पूरे हाई कोर्ट्स में अराउंड 57 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं, एंड क्यूमुलेटिवली वैकेंसीज 40% ऑफ द वैकेंसीज है हाई कोर्ट्स में। और वहीं उन्होंने डेटा बताया कि अराउंड 5 हाई कोर्ट्स इंडिया में ऐसे हैं जहां पर 54% ऑफ द केसेस, मतलब अगर 100 केसेस फाइल होते हैं तो अराउंड 54% ऑफ द केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं अराउंड 5 ईयर्स से। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोला है कि वैकेंसीज और पेंडिंग का कोई भी मैचअप नहीं है, और उन्होंने क्लैरिफाई किया मद्रास हाईकोर्ट का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने बताया मद्रास हाईकोर्ट में अराउंड 5.8 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं, और वहीं लो वैकेंसीज है वहां पर 7% ऑफ दी वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी है तो वो तो फिलअप करनी है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक और कैलकटा हाईकोर्ट का, वहां उन्होंने बताया कि अराउंड 44% ऑफ दी पोस्ट, मतलब जजेस की वैकेंसीज है, 44% ऑफ द जजेस की वैकेंसीज है, और वहीं केसेस कम है, कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए अराउंड 2.7, तो कोई मैचअप नहीं है।
देन ऑथर ने बताया कि अब आर्टिकल 224 कैपिटल ए को इन्वोक करना ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इन्वोक कर दो, उसके भी कुछ क्राइटेरियाज है। उन्होंने क्राइटेरिया उसको बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पहला क्राइटेरिया होता है कि अगर वैकेंसी 20% से ज्यादा इंक्रीज हो जाए किसी हाईकोर्ट में, तब आप एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हो। और 10% ऑफ द बैकलॉग केसेस, मतलब 10% ऑफ द पेंडिंग केसेस, अगर 5 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, बैकलॉग केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, 10% ऑफ द केसेस 5 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तब आप एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हो। और या ऐसे पर्टिकुलर केसेस, ऐसे पर्टिकुलर कैटेगरी के ऑफ केसेस जो ओवरऑल 5 ईयर से पेंडिंग पड़े हुए हैं, है ना। एडहॉक जजेस तभी अपॉइंट होते हैं, एडहॉक जजेस टेम्परेरी पीरियड के लिए अपॉइंट होते हैं, और उनका अपॉइंटमेंट का सिर्फ एक ही फंडा होता है कि कुछ पर्टिकुलर केसेस और पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ केसेस को डील कर रहा है। तो उसी को लेकर ऑथर ने लिखा कि ये सारी चीजें आपने जरूर, सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम किया, जजमेंट दिया, लेकिन अगर कोलिजियम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही तरीके से काम करती, अपना टाइम देती, कोलिजियम सही, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सही तरीके से वर्क करता, हाईकोर्ट का कोलिजियम सही तरीके से वर्क करता, और सेंट्रल गवर्नमेंट सही तरीके से वर्क करती, तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज होती नहीं, और वैकेंसीज नहीं होती तो केसेस इतने ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हाई कोर्ट्स में, अराउंड 57 लाख केसेस, वो भी कम रहते, वो भी इतने ज्यादा नहीं पेंडिंग पड़े रहते। नाउ वी मूव फर्दर। सो देयर इज समथिंग अबाउट इंटरव्यू, तो हम इंटरव्यू नहीं पढ़ना है, सो वी डायरेक्टली मूविंग टू आवर नेशनल न्यूज। तो नेशनल न्यूज में सबसे पहली न्यूज है, इट्स अबाउट द हाई कोर्ट। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने, हमने कल डिस्कस किया था कि दिल्ली हाई कोर्ट एक पिटीशन, एक केस हियर करेगी, उसकी फाइनल हियरिंग होगी अबाउट दी व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर। अब क्वेश्चन था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या इन्वेस्टिगेट कर सकता है उस प्राइवेसी पॉलिसीज को लेकर, तो उसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कल जजमेंट दिया, फाइनल वर्डिक्ट दिया, और पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जो कि व्हाट्सएप और फेसबुक ने फाइल करी थी। उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन किया था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो हमारे प्राइवेसी पॉलिसी में इन्वेस्टिगेट कर सके, लेकिन उस चैलेंज को, उस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया हाईकोर्ट ने, और बोला कि भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बिल्कुल राइट है, उनका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है, कि अगर जब आपने इंडिया में बोला है कि प्राइवेसी पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी तो उनके पास राइट बनता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, बेसिकली अराउंड परसों की बात है, डे बिफोर यस्टरडे की बात है, इंडोनेशिया की एक सबमरीन थी के आर आई नंगला, तो के आर आई नंगला बेसिकली गुम हो गई, खो गई, है ना, मिसिंग हो गई, वो फ्रॉम वेनसडे से मिसिंग है, और उसमें अराउंड 53 पर्सनल्स भी वो थे, अबोर्ड थे, वो भी मिसिंग है, अभी तक उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इसी के चलते इंडिया ने ज्वाइन किया है कि मरीन सबमरीन को कैसे सर्च किया जाए, और एक सबमरीन है वो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडियन नेवी की, कौन सी, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, जो कि बेसिकली डीप सबमर्जेंस मतलब बहुत सी के नीचे जाती है और रेस्क्यू करती है, उसी सबमरीन को, वेसल को रिलीज किया गया, और इंडिया इंडोनेशिया की जो सबमरीन है जो कि मिसिंग हो गई, के आर आई नंगला, उसको ढूंढने में हेल्प कर रही है। तो साथ साथ सिंगापुर नेवी ने भी हेल्प करी, और ऑस्ट्रेलिया ने भी अर्ज किया है कि हम भी असिस्टेंट देंगे, हेल्प करेंगे। मूविंग फर्दर टू आवर सेकंड नेशनल न्यूज पेज, तो दिस समथिंग टोटली अबाउट द इलेक्शन एंड द पॉलिटिकल न्यूज, तो ये स्किप करो, ये वाला पेज है ना। अगेन, सो ऑन द नेक्स्ट नेशनल न्यूज पेज, तो इट्स बेसिकली अबाउट द अनसर्टेनिटी, तो इट्स टॉकिंग अबाउट दी प्राइम मिनिस्टर मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल तो दिया है कि अबव द एज ऑफ 18 सबको वैक्सीनेशन प्रोवाइड होगी फ्रॉम द फर्स्ट में, बट बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है इसको लेकर, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोला है कि इसको लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, और ये हो सकता है कि एक तरीके से लोगों में क्योस फैल जाए, रीजन बींग क्योंकि इतनी ज्यादा वैक्सीन की शॉर्टेज है, वैक्सीन सप्लाई नहीं हो रही है, और आपने अबव द एज ऑफ 18 को अलाउड कर दिया। अब एक मैनेजमेंट, एक गवर्नमेंट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यही बोला है कि सेंटर शायद डिसीजन ले और स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी दे दे कि भाई वो डोमेस्टिकली अगर तुम्हें वैक्सीन प्रोड्यूस करना है तो वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हो, और तुम्हें अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर राइट होगा। अभी वैक्सीन को लेकर चले तो वैक्सीन के ऊपर सिर्फ राइट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और अगर ऐसा होता है, अनसर्टेनिटी लूम होती है, अनसर्टेनिटी आती है इस चीज को लेकर, तो शायद
सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन दे दे और स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी दे दे, खुद डिसाइड करे स्टेट के उनको कैसे प्रोक्योर करना है वैक्सीन और कैसे बिल्डअप करना है वैक्सीन को, मेडअप करना है वैक्सीन को. अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, सो डे फॉर यस्टरडे हमने एक न्यूज पढ़ा था कि रेलवे मिनिस्ट्री ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, इट्स बेसिकली अबाउट द ऑक्सीजन ट्रेन्स. तो उसी को लेकर ऑक्सीजन ट्रेन कल से स्टार्ट भी हो गई और दे आर सेट ऑफ फॉर महाराष्ट्र एंड यूपी. ओके, महाराष्ट्र और यूपी में ऑक्सीजन टैंक सप्लाई हो रहे हैं. नाउ वी आर मूविंग फर्दर. सो दिस समथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट एंड वी डोंट हैव टू रीड दिस पेज. ओके, सो वी डायरेक्टली मूविंग टू आवर वर्ल्ड न्यूज. वर्ल्ड न्यूज में हमारे लिए आज एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो यही है कि कल 40 कंट्रीज के लीडर्स, नेशनल लीडर्स मिले, क्योंकि जो बाइडेन ने अर्ज किया था कि सब लोग आए और हमें क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ बातें करनी है, तो उसी को लेकर बातें हुई, मीटिंग हुई और यूएसए ने फाइनल कर दिया. यूएसए ने बोल दिया है बाय द ईयर ऑफ 2030 हम लोग 52% ऑफ द कार्बन इमिशन को कट डाउन करेंगे. बाय द ईयर ऑफ 2030 52% ऑफ द कार्बन इमिशन को कट डाउन करेंगे. अभी अगर हम 100% इमिशन कर रहे हैं तो बाय द ईयर ऑफ 2030 से 48% इमिशन करेंगे, 52% हम लोग कट करने वाले हैं. एंड अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, इट्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर मोदी. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अटेंड करी उस मीटिंग को और उस मीटिंग में बेसिकली उन्होंने अनाउंस किया कि हम इंडिया विद यूएसए एक पार्टनरशिप, क्लाइमेट पार्टनरशिप अनाउंस कर रहे हैं और उस पार्टनरशिप का नाम है इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप. ओके, तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने, दोनों ही नेशन ने बेसिकली एक क्लाइमेट पार्टनरशिप को अनाउंस कर दिया है. एंड द नेम ऑफ द पार्टनरशिप जो कि इंपॉर्टेंट है and highlighted है, just noted down, it's India USA Climate and Clean Energy Agenda 2030 partnership. So basically work करेगी, basically work करेगी investment पर, clean technologies के ऊपर और green collaboration के ऊपर. So now we are moving further to on the business news, on the economy page. So economy page में है क्या, तो जितनी भी industries है, industrialist है, उन्होंने अर्ज किया है finance minister से, निर्मला सीतारमण से अर्ज किया है कि अब सेकंड वेव फिर से आ गई. आपने फर्स्ट वेव में जरूर हमको थोड़ा सा कंप्लाइंस दिए थे और थोड़ा सा हमको हमारे लिए इजी नॉर्म्स कर दिए थे, लेकिन अभी सेकंड वेव है और सेकंड वेव बहुत खतरनाक है, आपको हमें फिर से हेल्प करनी पड़ेगी. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अर्ज किया है कि आप फिर से हमें हेल्प करो क्योंकि सेकंड वेव फिर आ गई और हमारे सेक्टर्स में बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा. तो इसी को लेकर अर्ज किया है सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और सारे इंडस्ट्री के लीडर्स ने टू दी Finance Ministry and the Finance Minister Nirmala Sitharaman. So this is the analysis of today's newspaper. So आज sports news में ऐसा कुछ है नहीं. It's totally about the IPL. So this is the analysis of today's newspaper. हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news and some interesting news with the 24th of April के हिंदू न्यूज़पेपर के साथ. तो तब तक के लिए bye bye and have fun and enjoy your day and especially stay safe. Okay, just don't go out.